व्यूअर्स, आज के समय में परिवार का सीमित होना भी बहुत ज़रूरी है और इसे हम आराम से कर सकते हैं अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। तो आइए पहले एक क्लिपिंग देख लेते हैं और उसके बाद में फिर इस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे गर्भ रोधक हैं और कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्लिपिंग। एक रहन ईर, एक रहन बीर, एक रहन धीर, एक रहन वीर, एक रहन तीर, एक रहन, अरे भाई बस, अब कहीं तो फुल स्टॉप होगा कि नहीं। ऐसे अगर साल दर साल भाभी जी को बच्चे होते गए तो उन बेचारी का स्वास्थ्य तो गया काम से, और उधर बच्चे, उनका प्यार भी बढ़ गया और देखभाल भी। अब अगर घर की घरनी ही बीमार रहेगी तो घर का तो हो गया ना, क्यों नहीं, हम गलत कह रहे हो तो आप बताएं। अब मुन्ना मुन्नी वाला बहाना छोड़िए और बच्चों के जन्म में थोड़ा अंतर रखिए। बहुत से तरीके आ गए हैं, जो पसंद हो चुन लीजिए। क्यों, अब भाभी जी शर्माना कैसा, आखिर तकलीफ तो आप ही को होती है ना, ये बात आप भी तो कह सकती हैं, आखिर पति हैं आपके, बहुत प्यार करते हैं आपसे, क्यों। हाँ व्यूअर्स, वैसे तो गर्भ निरोधक कई तरीके के होते हैं, लेकिन आज जो हम गर्भ निरोधक के बारे में आपको जानकारी देंगे उनको हमने दो कैटेगरीज में बांटा है, एक अस्थाई विधियां और एक स्थाई विधियां। तो आइए जानते हैं उनको डिटेल से। व्यूअर्स, जिन पति पत्नी को ये लगता है कि उनका परिवार पूरा हो गया है, उन्हें आगे अब बच्चे नहीं चाहिए, तो वो अस्थाई जो साधन है उनको अपना सकते हैं, जैसे कि इस चार्ट में आपको दिख रहा है लिखा हुआ, और उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन वो अपना सकते हैं वो है कॉन्डम। सेकेंड ऑप्शन उसमें है जो माला डी या फिर माला एन, जो टैबलेट्स आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, आप इन्हें वहाँ से ले सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके लिए है गर्भ निरोधक सुई, जो कि 3 महीने के लिए काम करती है, जो कि महिलाओं को लगाई जाती है। तो अगर ये ऑप्शन आपको सही लगता है तो भी इसको आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर इसे लगवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन आपके लिए आ जाता है कॉपर टी, और ये एक कॉपर वायर होता है जो कि गर्भाशय में प्लेस किया जाता है, जिससे कि जब शुक्राणु गर्भाशय में पहुंचते हैं तो वो वहां जाके निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर अंडे से ना मिलने की वजह से गर्भधारण नहीं होता। और जो पांचवा ऑप्शन इसमें है लैम विधि, यानी लैम जो होता है वो लैक्टेशन एमिनोरिया विधि कहलाती है। ये विधि का मतलब ये होता है कि जिन हार्मोन्स की वजह से माँ एक बच्चे को स्तनपान करा पाती है, यानी जो उसके स्तन में दूध आता है, उस हार्मोन की वजह से ही महिलाओं को 6 महीने तक माहवारी नहीं होती, और इसलिए ये एक तरीके से उनके गर्भ निरोधक का ही काम करता है। लेकिन इस संबंध में लोगों की कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, और लोग ये सोचते हैं कि जब एक महिला बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसे गर्भ नहीं ठहर सकता, लेकिन सच ये है कि ऐसा नहीं है। स्तनपान कराने वाली बहुत सी महिलाओं को अनचाहा गर्भ ठहर जाता है। लैम विधि से जुड़ी तीनों शर्तें पूरी करने पर ही स्तनपान कराने वाली महिलाएँ अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं, क्योंकि लैम विधि 98% जो है वो असरदार है। अब वो किस तरीके से इसको फॉलो करना है, कैसे, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आपकी आशा बहन, आपकी आंगनवाड़ी सेंटर पे जो बहन जी बैठती हैं वो, या फिर जो ANM बहन जी हैं वो, उनसे इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली जा सकती है। इसमें जो नेक्स्ट हमारी स्थाई विधि है वो है पुरुष नसबंदी और दूसरी है महिला नसबंदी। इन दोनों ही ऑप्शंस को अपनाया जा सकता है जब हम ये फील करते हैं कि अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें आगे बच्चे नहीं चाहिए। तो इन दो विधियों को अपनाकर भी हम अपने परिवार को सीमित रख सकते हैं और सुखी परिवार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये जो विधियाँ हमने आज बताई हैं, इनमें से कुछ भी आप अपना सकते हैं अपनी ज़रूरत और अपनी कंडीशंस के अनुसार। अगर इसको और डिटेल से आप पूछेंगे मुझसे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनको अलग अलग एलिबरेट करूँगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से और समझ पाएँ। तो आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।